वाला हूँ ऑफिशियल सिलेबस ऑफ कोल इंडिया का, जो कि आ चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको डाउनलोड करना है सारी चीज़ें, प्रिपरेशन कैसे करनी है, खास बात ये है वो भी मैं बताऊंगा। तो और पैटर्न क्या क्या रहने वाला है इस बार सिलेबस में, क्या चेंजेस हैं, वो सारे यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, यहाँ पे दो पार्ट हैं जैसा कि लास्ट टाइम था 2017 में। यहाँ पे भी सेम पैटर्न है, 100 क्वेश्चन फॉर नॉन टेक एंड 100 क्वेश्चन फॉर पार्ट टू टेक्निकल, यानी डोमेन नॉलेज फॉर फाइनेंस अकाउंट्स। तो सेम पैटर्न पे ही सिलेबस है यहाँ पे, बस कुछ चेंजेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो पार्ट वन टू थ्री ये आप यूट्यूब से, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैंने पेपर भी डाला हुआ है, आप वहाँ से भी रिफर कर सकते हैं लास्ट टाइम क्या आया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जनरल नॉलेज के लिए आप अपना न्यूज़पेपर या फिर कोई भी मैगजीन्स, प्रतियोगिता, दर्पण, लाइक टाइप कुछ भी पढ़ सकते हैं। पेपर टू की बात करें डोमेन नॉलेज की, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज यूजुअल जैसे लास्ट टाइम बताया हुआ था, वही सारे चैप्टर्स यहाँ पे बताए गए हैं। खास बात यह कि आपकी प्रिपरेशन यहीं पर अभी 3 से 4 नंबर की आपकी मैं करा दूंगा। लाइक आपको क्या करना है, जो नेम क्लेचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वो आपको याद करने हैं, 1 से लेके 33 34 जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं अभी तक आ चुके हैं, 33 आई थिंक है, तो आप इसको अगर करेक्ट कर लीजिएगा, 32 33 अराउंड है, तो आप इसको नेम क्लेचर याद कर लीजिए किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कौन सा है। इन डेस का भी अगर याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि वो भी आ सकता है यहाँ पे। तो ये सारे चीज़ें हैं, और इसके जो बेसिक मीनिंग्स हैं, जैसे AS2 किस लिए है, AS3 किस लिए है, वो क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो वो सारी चीज़ें याद कर लीजिए यहाँ से। न्यूमेरिकल हायर परचेस एंड इंस्टॉलमेंट में आपको प्रिपरेशन करना है कि इसके कैलकुलेशन कैसे होता है, लाइक कैश प्राइस, या फिर आपका जो दो तीन मेथड है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम के लॉस को स्टॉक को प्रॉफिट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, या इशू इन पार्टनरशिप में क्या होता है, उसके बाद अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इन कंप्राइज एनवायरनमेंट। तो ये सारे चीजें आपको प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट पार्ट यहां पे बताया गया बिजनेस लॉ का, तो यहाँ पे जो बिजनेस लॉ है इसको मैं पूरा कवर करने वाला हूँ, जो आपका इंडस्ट्रियल लॉ इसमें है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इसमें से मैंने EPF, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट का वीडियो बना के डालने वाला हूँ जल्दी, वो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे कंपनी लॉ में बात करें तो कंपनी एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टस, शेयर एंड शेयर कैपिटल बताया गया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, अगर बात करूँ तो आपका बोर्ड ऑफ मीटिंग, डायरेक्टर्स, आपका रेमुनरेशन, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में यहाँ पे बताया गया इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल, लेबर, तो इन सब के आपको क्या ना मीनिंग जो है बेसिक अपने बुक्स CA CMA के हैं वहाँ से उठाइए इस चैप्टर को, उसमें बेसिक मीनिंग क्या है, फॉर्मूले क्या है, कैलकुलेशन क्या है, छोटे छोटे वो सारी चीज़ें आप एक कॉपी पे लिख लीजिए। मैं तो यहाँ पे वीडियो बना के आपको प्रिपरेशन कराने ही वाला हूँ सारी चीज़ों का धीरे धीरे, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे ऑफिस भी है, सब कुछ देखना होता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो स्कोप, ऑब्जेक्टिव, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइप्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, पे बैक बाई जो होता है पे बैक कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस, प्लानिंग, फाइनेंस डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये सारी चीज़ें आती हैं उसमें। फिर लिवरेज आ जाएगा, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल, तो ये सारी चीज़ें आपके पास पहले से आपने पढ़ा हुआ है CA CMA में, वो बुक्स उठाइए, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, डिसीजन कैसे है, वो सारा आप देख सकते हैं। देन बात करें टैक्स की, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिलेटेड चीज़ें आने वाली हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, रेजिडेंशियल स्टेटस, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, पूरा टैक्स तरीके से बता दिया गया यहाँ पे सारी चीज़ें। देन यहाँ पे ग्रॉस फ्रॉम टोटल इनकम, तो आपको सब कुछ TDS, प्रोविजन ऑफ रिटर्न, फाइलिंग ऑफ इनकम, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम, TDS, GST, सब कुछ यहाँ पे बोला गया है, आपको पढ़ना है एक एक करके, सब कुछ आप दो दो तीन तीन दिन में खत्म कर सकते हैं। देन एडवांस अकाउंटिंग की बात करें तो यहाँ पे एडवांस अकाउंटिंग में AS 4, 5, 11, 12 ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, इनका भी खासा ध्यान रखेंगे। आपको अभी मैं डालने वाला हूँ वीडियो, जो लखनऊ मेट्रो में हुआ था, पेपर मिल गया है मुझे, तो उसको भी मैं एनालिसिस करके बताऊंगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हुए हैं, बस वही उसमें बताऊंगा, ताकि लिंक में आपको पेपर मिल जाएगा जैसे ही कुछ लोग अच्छे लाइक मिल जाएंगे। देन एडवांस इशू इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन, ये सारी चीजें आपको आपके CMA के या CA के बुक्स में ही मिल जाएंगे, फाइनल के या इंटर में कुछ मिल जाएंगे, तो आपको वहां से पढ़ाई करनी है तो प्रिपरेशन करिएगा। और ये सिलेबस जो है आपको, जिन लोगों ने अप्लाई किया है इस पोस्ट के लिए, आप लॉग इन करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, तो ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट ये हो सकता है अगर CMA के बुक में नहीं हो तो आप CA का बुक ऑनलाइन जाके उनके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं LMRC में, वो दिखाऊंगा मैं। तो ये पूरी सिलेबस है 2 पेज का जो इन्होंने बताया है, काफी चीजें प्रीवियस ही हैं जो पिछले साल थी, यहाँ पे GST एक नया चीज ऐड कर दिया गया है, और बाकी सारी चीजें एज यूजुअल आई थिंक
सारी चीज़ें जो लास्ट टाइम सिलेबस थे वही हैं, बस पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा पीडीएफ का चेंज कर दिया गया है। सो आई होप फ्रेंड्स आपके डाउट क्लियर हो गए हैं। मैं प्रिपरेशन कराते रहूँगा, धीरे धीरे सारे वीडियोज़ लाने वाला हूँ। अभी मैं कवर करने वाला हूँ बिजनेस लॉ से रिलेटेड, इसमें तीन चार चैप्टर हैं, नेगोशिएबल और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोड़ के बाकी ये सब कवर मैं कर रहा हूँ वहाँ पे। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881। उसके बाद आएंगे कंपनी लॉ पे, फिर अकाउंटिंग धीरे धीरे सारे करूंगा क्योंकि बहुत लंबे चैप्टर्स होते हैं, तो उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट छांटना ये सारी चीज़ें करना में टाइम लगता है, तो थोड़ा स्लो होगा। तब तक आप अपना प्रिपरेशन करते रहें, बाकी मैं वीडियोस डालते रहूँगा इसी तरह, और लाइक करते रहें, चैनल के साथ बने रहें, लोगों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ें ताकि उन्हें भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।